हाय लिब्रा, कैसे हैं आप? आज मैं आप सभी की लव रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मंथली रीडिंग कर चुकी हुई हूँ। अगर आपने जून मंथ की रीडिंग नहीं देखी है अभी तक, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके मंथली रीडिंग 2022 आपको मिल जाएगी उसमें जून मंथ की। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, कॉल्स के थ्रू बिल्कुल भी आंसर नहीं किया जाता है। ठीक है, और आपको जो भी रीडिंग प्रोवाइड की जाती है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। ओके, और पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ये है कि जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। लिब्रास की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए? एट ऑफ कप्स, ब्रास के पार्टनर की फीलिंग्स। थ्री ऑफ कप्स, क्या बात है। या बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो माय डियर लिब्रास, यहाँ आप थोड़ा उखड़े हुए लग रहे हो मुझे अपने पार्टनर से। आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के मूड में हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ चीज़ें हर्ट करी हुई हैं पास्ट में आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर में आपको लेकर के बहुत लव है, वो आपको एक अपना सोल पर्सन मानते हैं। ठीक है, सोल पार्टनर मानते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ अपने समय को बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन आपका मैं पूरा फोकस जो है अपने वर्क पे देख रही हूँ। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आप बहुत बिजी हो किसी काम में, इस वजह से भी आप थोड़ा उखड़े हुए हो अपने पर्सन से। ठीक है, यहाँ कोई भी बात आपको हो सकता है अपने पार्टनर की हर्ट कर रही हो, जिस वजह से आप डिस्टेंस बना रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही हूँ कि आप यहाँ पे इमोशनली थोड़ा हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं इमोशनल लेवल पर। आपकी इमोशंस जो हैं, जैसे आपके पार्टनर ने हर्ट करे हैं, आपके इमोशंस को हर्ट करा है और आप जो है दूसरी दिशा की ओर वहाँ से जा रहे हो, ये इस तरह की ऊर्जा है। इस समय आप मुझे हर्ट दिख रहे हो और आपका पूरा फोकस मुझे यहाँ अपने वर्क पे नजर आ रहा है। लिब्रास, थैंक यू। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, यस, आपके पास कुछ, आप डेफिनेटली मूवमेंट है यहाँ पे, चॉइसेस, डिसीजंस, आपके पास कोई चॉइस हो सकती है या फिर किसी ना किसी तरीके का आप डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी तरह के चॉइसेस आपके पास हो सकते हैं काम को लेकर के, या किसी तरह का काम आपने करा था। ठीक है, वर्क को लेकर के हो सकता है, वर्क और लव में चॉइस होना, या फिर अदर कोई पर्सन होना उसको लेकर के यहाँ पे चॉइस हो सकती है, पैसों को लेकर के कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, किसी भी तरीके की चॉइस का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, या कि डिसीजन लेने का टाइम, आप डिसीजन लेना चाह रहे हो ये, या देखते हैं आपके पार्टनर के लिए क्या है। सैक्रल चक्र, देखिए भाई लिब्रास, आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ फुली अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, वो आपसे लव भी बहुत करते हैं, इमोशनली भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर के बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा उनसे उखड़े हुए हैं। ठीक है, किसी तरीके से डिससेटिस्फेक्शन मुझे नज़र आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है आपको अपने पार्टनर से, और आपका ध्यान भी किसी दूसरी जगह पे मुझे लग रहा है, या तो अपने वर्क पर है या किसी अदर पर्सन पर भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे जो है होंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। या मैंने बोला ना आपको, मून की एनर्जी है यहाँ पे, द मून।
एस ऑफ फायर, वाइज काउंसलर, माय गॉड, ओके सेवन ऑफ वाटर्स। तो डेफिनेटली ऑप्शंस है, तो देखिए आपको बहुत ही वाइजली ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना लिब्राज, अगर आपके पास जो भी ऑप्शंस है, डिसीजन मेकिंग टाइम है आपके लिए ये, क्योंकि यहाँ पे आया है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज आई हैं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी सेवन ऑफ वाटर्स की ऊर्जा है। तो माय डियर लिब्राज, तो आपको बोला जा रहा है चूज वाइजली, ठीक है, बिल्कुल भी केयरलेस होकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ मैं आपको साफ कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपकी ऊर्जा ऐसी है जैसे मून साइकिल्स की होती है। यहाँ पे मून है हमारे पास, ठीक है, कभी आप इन हैं तो कभी आप आउट हैं, कभी आपको बहुत प्यार अच्छा प्यार झलकता है इस रिलेशनशिप में, और कभी आप इसे बिल्कुल रिलीज कर देना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए टावर्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो आप कभी तो बहुत अच्छा फील करते हो इस रिलेशनशिप में, और कभी बिल्कुल अलग थलग हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। माइंड आपका फिक्स नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पैशन, पैशन बहुत है आप लोगों का, ठीक है, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत है, अट्रैक्शन भी बहुत है यहाँ पे मैं देख रही हूँ। या तो आप दोनों का ही है या दोनों में से एक पर्सन का, और ये मैं अदर पार्टी को ही देख रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कुछ तो है अभी आपके रिलेशनशिप में, किसी एक लेवल पर यहाँ नई शुरुआत हुई है, और उसके लिए आप लोगों ने बहुत मिल करके मेहनत करी है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप की, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ ना कुछ एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है या हो रही है, और उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करे हैं, बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत मेहनत करी है, बहुत कुछ देखा है एक साथ, ठीक है, यस। और यहाँ पर लेकिन आपको बोला जाए कि यहाँ पर जो है ना वाइज काउंसलर की मैसेज है आपके लिए, और ये एक किस्म का आपके लिए ब्लॉकेजेस कहूँगी मैं, क्योंकि ये जो भी मैसेज है ना, अगर हमारा आप आउटकम देखेंगे, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक सोल लेवल पर एक रिलेशनशिप होना, ठीक है, एक बैलेंस रिलेशनशिप जो हर किसी को चाहिए, सोल पार्टनर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आपके माइंड में कुछ भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जो भी डिससेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। अभी वो काउंसलिंग आप चाहे अपने घर के बड़ों से लो, चाहे आप पर्टिकुलरली किसी काउंसलर के पास जाओ, चाहे आप किसी टैरो रीडर से टैरो रीडिंग कराओ, चाहे आप अपनी हीलिंग तो मैं क्या कहूँ, लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग आपको बहुत ज़रूरत है, किसी की सलाह की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आपकी तरफ से। आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर को या अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को, और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कि कहीं किसी तरह की भूल मत कर बैठिएगा। डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं, यस यस यस, आपके पास चॉइसेस हैं, कहीं आप गलत डिसीज़न ले लो और आपको वो पछतावा जो है पछतावा हो उस चीज़ को लेकर के, फिर वही होता है ना रिग्रेट होना, ये डिसअपॉइंटमेंट रिग्रेट की एनर्जी है। अगर कुछ आप लोगों के पास्ट में हुआ है तो आपको यहाँ पे फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है अपने पार्टनर को, क्योंकि प्लीज़ जो भी पास्ट में हुआ है ना आपके साथ, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे छोड़ दो, उसको लेकर के आगे मत बढ़ो अपने रिलेशनशिप में। आप उसे पकड़ कर अभी भी बैठे हुए हो, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर की वाइज और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सॉल पार्टनर्स हैं आप लोग, ब्यूटीफुल। यहाँ अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेते हो तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, आपको ये बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है पास्ट को लेकर के अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो
तो वो सही नहीं होगा। तो आप प्रेजेंट मोमेंट को देखो कि आप लोगों ने क्या कुछ फेस करा है एक साथ, और क्या अचीव कर रहे हो या क्या अचीव करा है, उसको लेकर के आपको यहाँ पे थैंकफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट आपको बता रही है, आपके अंदर की आवाज़ आपको बताती है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कितना प्योर है। आप लोगों का पास्ट का रिलेशनशिप है, आप लोग जो है पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती हैं, सोल लेवल पर आप एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पे माइंड गेम्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको बोला जा रहा है या दिल की आवाज़ को सुनिए, समझ रहे हैं आप। गलती से भी कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, 444 की एनर्जी है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आप लोगों का बहुत सिक्योर है और बहुत हैप्पी है। आपका आउटकम देख रहे हैं यहाँ कितना ब्यूटीफुल आया है। तो आपको बोला जा रहा है फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको अभी को प्रेजेंट मोमेंट को यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, और उसके लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूँगी, और कुछ थैंक यू एंजल्स, थैंक यू लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है। ओके लाइट, पार्टनरशिप एंड अलायंस और मेंटल कन्फ्लिक्ट, देखिए क्या आया है आपके लिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, जहाँ आप अपनी इंट्यूएशन को, जहाँ आप अपने, देखिए अगर आप अपने माइंड पे जाएंगे, अगर आप अपने दिमाग को ज़्यादा चलाएंगे तो आप कन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत है, बहुत आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत दिमाग चल रहा है आपका कि ये सही है या नहीं है मेरे लिए। आपको पता है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पार्टनरशिप बहुत आगे जाने वाली एक जिसे कहते हैं ना कि, और फ्यूचर में ऐसा भी लगता है यहाँ पे पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है ऑप्शंस भी हों, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लिब्रास कि अपने पार्टनर का साथ दो, अपने पार्टनर को छोड़ो मत, अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड मत करो। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें ट्रिगर करें, पर माय डियर यहाँ आप अकेले सुन रहे हैं, आपको देखने वाला सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो इस मैसेज को सीरियसली लीजिए, इससे ट्रिगर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसे सीरियसली लेंगे, एक दो बार सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, मन को शांत करके सुनेंगे, तो आपको ये मैसेज समझ में आएगा। आपको पता है आपने ये रिलेशनशिप किस तरीके से बुना है, किस तरीके से आपने कठिनाइयों का सामना करा है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। तो अब ऐसा ये वक्त नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ करके कहीं और जाएं, कुछ और चुनें। यस, और भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए कोई लव ही अदर कोई ऑप्शन हो, लव को लेकर के ही, वर्क को लेकर के भी हो सकता है, पर यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपने पार्टनर का भी साथ देना है। ये कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप सिर्फ एक जगह अगर ध्यान दे रहे हो, तो ये अपने प्यार को आप एक ऑप्शन के नाम पर समझकर आप उन्हें छोड़ करके चले जाएं, ऐसा नहीं आपको करना है। आई नो मैं बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइप एक मैसेज दे रही हूँ, पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वो दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों से जिनसे रेजोनेट हो आप ले सकते हैं, क्योंकि यही स्ट्रांग मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और लाइट की ऊर्जा है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, अपने इंट्यूशन को, अपने अंदर की लाइट को, अपने भगवान की लाइट को जो है फॉलो करो, उस चीज़ को समझो। ये पर्सन आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है माय डियर लिब्रास, ठीक है। ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग किसी वाटर साइन से आप डील कर रहे हो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यस,
क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, तो किसी वाटर साइन से हो सकता है आप डील कर रहे हो सकता है ना भी कर रहे हो, पर यहाँ पे मुझे साइंस दिखाई दिए तो मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पर माय डियर लिब्रास, आपको माइंड नहीं यहाँ पे चलाना है, क्योंकि यहाँ आपका माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, और आपको बोला जा रहा है गुस्से में, जल्दबाजी में, या फिर आपके माइंड में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर के आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कोई ऐसा फैसला ले सकते हो। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे जो है मैसेज आया है काउंसलर की, कि आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आपको काउंसलिंग की, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आपको काउंसलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? ये डायरेक्ट मैसेज है। तो ये लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। रही है तो माय डियर प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक मेरे लिए बहुत हेल्प करेगा, ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचेगी, तो जिनकी जिनको मदद मिल पाए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि और लोगों की भी मदद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।